और गाजियाबाद थाना टोनिका सिटी पुलिस रात को वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी एक बाइक सवार को रोकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार भागने लगा और पुलिस पर फायरिंग कर दी, तो गोली दरोगा की बुलेट प्रूफ जैकेट में लग गई है, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। बताते चले कि बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस व बाइक बरामद हुए हैं, तो बदमाश के ऊपर गाजियाबाद में करीब 9 मुकदमे भी दर्ज है। विगत दिनों इंद्रापुरम क्षेत्र में हो रही चेन स्नैचिंग की घटनाओं के मद्देनजर इसके अनावरण के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसके तहत आज सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था। इसमें वसुंधरा चौकी के पीछे आज जब इंद्रापुरम पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी सामने से एक स्प्लेंडर पर 2 अज्ञात युवक संदिग्ध अवस्था में आते हुए दिखाई दिए। जब उनको रुकने का इशारा किया गया तो वो लोग तेजी से भागने लगे। इंद्रापुरम पुलिस ने जब कांवड़ मार्ग पर उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिया, जिस पर जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। उनके पास जाकर जब पूछताछ की गई तो उसमें से एक ने अपना नाम अतिरसी उर्फ पप्पू और दूसरे ने अपना नाम मनोज चतुर्वेदी बताया, और ये मूल रूप से कानपुर नगर के रहने वाले हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनके ऊपर लगभग लूट और हत्या के प्रयास के 1 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। आज दिनांक 20 जुलाई 2024 को थाना टोनिका पुलिस द्वारा खानपुर जप्ती मोड़ पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान खानपुर से पुस्ते की तरफ एक व्यक्ति बाइक पर सवार होता हुआ आता दिखाई दिया। इस व्यक्ति को जब पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो यह रुकता नहीं था, अपनी बाइक मुड़ाकर पुनः खानपुर की तरफ भागता है। भागने के दौरान इसकी बाइक फिसल जाती है। पुलिस टीम द्वारा जब इसका पीछा किया जाता है तो इसके द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा फायर किया जाता है। फायरिंग के दौरान एक गोली चौकी इंचार्ज पुस्ता के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगती है। पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए आत्मरक्षा जवाबी फायर किया जाता है। फायरिंग के दौरान एक गोली